करें जी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यू नो द यूनियन कैबिनेट मेट टुडे इन द मॉर्निंग टू ब्रीफ यू ऑन द इम्पोर्टेंट डिसीजंस अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे। वी हैव विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। वी हैव ऑल्सो विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। वी हैव ऑल्सो डॉक्टर अखिलेश गुप्ता सीनियर एडवाइज़र डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लेन द इशू। माई वार्म वेलकम टू ऑनरेबल मिनिस्टर। आफ्टर द ब्रीफिंग वी विल टेक सम क्वेश्चन रिलेटिंग टू द कैबिनेट डिसीजन। ओवर टू एच एम एम आई डी। नमस्कार साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और फिल्म जगत से, कलाकारों से और फिल्म प्रशंसकों से जुड़े हुए एक बड़ा निर्णय जो पायरेसी को लेकर है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती सब कलाकारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के पीछे बहुत बड़ी टीम का एक रोल होता है, अच्छी फिल्म बनाना, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार पायरेसी के कारण उनको जो उनकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता था। और बहुत लंबे समय से मांग थी कि पायरेसी के ऊपर कुछ किया जाए और बाकी भी जो सर्टिफिकेशन है उसको एज बेस से लेके बाकी ऐसे सुझाव समय समय पर आ रहे थे। जो रिडंडेंट प्रोविजंस थे उन पे क्या किया जाए ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, और मोदी सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग पे बहुत सारे कानूनों को रिवोक करने का काम भी किया हज़ारों की संख्या में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग भी पिछले कई वर्षों में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। फिल्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज़ नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी, हज़ारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले 2019 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया था और स्टैंडिंग कमेटी के उसके बाद कुछ सुझाव आए। हमने भी इसकी बड़ी व्यापक चर्चा की, जनता से भी, स्टेक होल्डर से भी, अलग अलग इंडस्ट्री से, और दुनिया भर के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उसको भी इसमें शामिल किया है ताकि भारतीय फिल्म जगत, चाहे वो द एलिफेंट विस्परर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है, RRR फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कॉन्टेंट के कारण हुआ है। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। ज़्यादा चर्चा उसकी जब पार्लियामेंट सत्र होगा तब आएगा, लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज उस दिशा में उठाया गया है जिससे पूरे फिल्म जगत को बहुत लाभ मिलने वाला है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सभी स्टेक होल्डर से हमारी बात हुई है और उसी दिशा में इसको बनाया गया है। दूसरा निर्णय जो भारत सरकार का है वो भी उस दिशा में है जब भारत दुनिया के बड़े देशों में एक ऐसी छलांग लगाकर अब फॉलो करने वाला नहीं, लीड करने वाले हम कई श्रेणी में बने हैं। और वैसा ही एक क्षेत्र है जिसके बारे में आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपको विस्तार में बताएंगे। मैं केवल इतना बता दूं आपको कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दी है, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिली। 6003 करोड़ रुपये का इसका बजट का प्रावधान किया गया है। इस पर कुल मिलाकर लागत आएगी 2023-24 से 2030-31 तक का इसका समय सीमा है।
और ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐसा निर्णय है जो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि इसके विस्तार में आपके बारे जानकारी दें। धन्यवाद माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी। जैसा कि आपने बताया, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण को लेकर के अनेकों क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, अनेकों पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस, जैसे अंतरिक्ष को खोल देना फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे जियो स्पेशल की नई पॉलिसी लाना, उस कड़ी में यदि आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण या आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट 2 or 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन लास्ट 9 ईयर्स ऑफ द मोदी रिजीम इज द लॉन्च ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन। और इसका भारत के संदर्भ में क्या महत्व है और इसका अर्थ क्या है, यहाँ तक हम महत्व की बात करें तो वी इंडिया टुडे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूटिलाइजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अदरवर्ज यू कैन से वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स ऑल्सो एज फार एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी इज द वन विच इज एसेंशियली रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विच इंक्लूड्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच मेक्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फास्टर, मोर ऑथेंटिक, मोर प्रिसाइज, मोर सिक्योर एंड ऑल्सो मोस्ट ऑथेंटिक। अब ये होता कैसे है, बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी अप्रिशिएट दैट, देन वी वुड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस। आई वुड रादर से इन अ सिंगल सेंटेंस दैट दिस नेशनल क्वांटम मिशन इज गोइंग टू गिव इंडिया क्वांटम जंप इन द वर्ल्ड एरिना। देर आर ओनली 6 countries सो फार हु हैव दिस टेक्नोलॉजी, विच मीन्स दे आर फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बट वी आर, दे आर ऑल्सो इन द R&D स्टेज, नन ऑफ देम हैज एक्चुअली स्टार्टेड द एप्लीकेशन ऑफ इट, एंड देयरफॉर वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी एट पार। पहले क्या होता था, जब भी हम कंप्यूटर के नेक्स्ट लेवल पर जाते थे तो अन्य देश पहले से ही उसको अप्लाई कर चुके होते थे, whether it was GPS, whether it was other means. Here we are now at par. None of them has actually started applying this technology. They are still in the R&D stage, and so also would we be. Now, if you want to take down the names of the 6 countries who already have this, they are the USA, Canada, Austria, Finland, China, and France. Ab hota kya hai ki jo hum abhi tak aap technology use kar rahe, because I think the media is the greatest, one of the greatest stakeholders as far as this technology is concerned. जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है दैट इज ट्रांजिस्टर बेस्ड, वेयर एज दिस वन इज गोइंग टू बी द एटम बेस्ड। तो ट्रांजिस्टर वेव मूव्स यू नो इस तरह से इन वेव्स, लहरों की तरह। अगर आप पुराने ज़माने में शॉर्ट वेव पर खबरें सुने, समाचार सुने, तो ऐसे ऊपर नीचे आवाज़ जाती थी। अगर आप विविध भारतीय रेडियो सिलोन के गीत सुने तो ऊपर से आवाज़, कभी गाना ऊँचा कभी नीचे, क्योंकि उसके 2 पड़ाव रहते हैं, 0 and 1, सो इट हॉप्स लाइक दिस। वेयर एज हेयर यू हैव मल्टीपल स्टेट्स which you, in other words, may be destination. So it goes like this. So it is more steady, it is faster, and it is much more authentic. So that is one great advantage as far as information technology is there. And the speed is much, much faster. Now, how is it more secure? Now, again, it's very interesting, because jab aapki encrypted conversation hai, ya messages hai, which you are already using, chahe WhatsApp kar rahe hai, dusra kar rahe hai, to usme मैकेनिज्म यह है कि एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की। तो अगर आपको उसको ओपन करना है फॉर वट एवर रीज़न, सो फर्स्ट दी सर्वर और हुएवर एंटर्स दी पब्लिक की। नाउ पब्लिक की इज समथिंग लाइक अ पासवर्ड विद 10 digits और वट एवर, बट हैविंग एंटर्ड देन देर इज अ प्राइवेट की विच इज एक्सक्लूसिव टू योर्स, विच यू वुड नो, अदर्स वुड नॉट। नाउ हाउ टू ब्रेक दैट, क्रैक दैट, जैसे कभी कोई क्राइम हो जाता कुछ, तो उसके लिए उसके पीछे राज ये है कि दैट कंसिस्ट ऑफ 2 numbers, एंड दोज 2 numbers व्हेन मल्टीप्लाइड आर इक्वल टू द नंबर विच इज़ द पब्लिक की। इट्स नॉट ईजी टू डिटेक्ट दैट, बट इन द क्लासिकल कंप्यूटर मे बी समटाइम्स यू माइट हिट द जैकपॉट, करते रहे हिट एंड ट्राई करते रहे, उसमें भी आसान नहीं है, लेकिन क्वांटम में वो कभी लगभग असंभव है। और एक स्टडी ने कहा कि इफ़ यू स्टार्ट trying that or experimenting that in the quantum technology, it might take you 3,00,000 years to crack it, which means
अगर मेरे पास भी क्वांटम है तो आपके पास भी क्वांटम है, तो आपको मैं नहीं छेड़ सकता, आप मुझे नहीं छेड़ सकते। लेकिन अगर आपके पास क्लासिकल है पिछला जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्वांटम वाला उसको कर सकता है। तो ये इसकी सिक्योरिटी है। और इसका हमें फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे हमारी गवर्नेंस है इनवर्सली इन एवरी सेक्टर, हमारे गवर्नेंस के सेक्टर में नाउ वी आर यूजिंग ऑल दी ऑनलाइन पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स, उसका खतरा रहता है कि कभी आगे पीछे हो जाए। इसी तरह से मेडिसिन हेल्थ केयर, लास्ट ईयर ओनली प्राइम मिनिस्टर हैड इनॉग्रेटेड हॉस्पिटल इन मोहाली, सो वी हैव रेडिएशन टेक्नोलॉजी विच प्रिसाइसली हिट्स दी स्मॉलेस्ट कैंसर सेल। नहीं तो आपने देखा होगा सो मच ऑफ यू नो साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन विच डजंट हैपन हियर। सिमिलरली इन एक्सपेरिमेंटेशन बिकॉज ऑफ दिस एटम बेस्ड टेक्नोलॉजी, बिकॉज एटम इज समथिंग विच इज अबाउट 360 करोड़ स्मॉलर देन ह्यूमन बींग, सच अ स्मॉल बिट, सो सिंस इट इज फंक्शनिंग थ्रू दो स्मॉल बिट्स द प्रिसाइसनेस ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द ट्रायल्स ऑफ द ड्रग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया केम आउट विद अ डीएनए वैक्सीन, टुक अबाउट 2 years, इफ यू हैड दिस मे बी वुड हैव कम आउट इन 3 or 4 months itself. सो दैट इज वॉट इज गोइंग टू बी यूजफुल इन द हेल्थ केयर सेक्टर। सिक्योरिटी, आजकल आपने देखा होगा कि इन्फिल्ट्रेटर्स ने सुरंग बना ली नीचे से आगे, टनल रिमेन्स अनडिटेक्टेड। यहाँ पे है कि हाउएवर मच मे बी दी डेप्थ, वॉट एवर लिटिल मे बी दी मूवमेंट, दिस टेक्नोलॉजी वुड बी एबल टू डिटेक्ट दैट एट दी सरफेस। इसके अलावा ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, आत्मनिर्भर भारत का भी इसमें कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टांसिस ऑफ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी कीप्स रीट्रेटिंग एंड एम्फसाइजिंग द होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, इन द सेंस देयर आर 5 or 6 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड इन दिस डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, माइटी डॉट, एंड ऑफकोर्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज लीप फॉरवर्ड एंड इज गोइंग टू गिव इंडिया एन एज ओवर दी अदर कंट्रीज। इसमें अगर आप टाइम लाइन भी जानना चाहते हैं, सो आई थिंक ऑफकोर्स माननीय मंत्री जी ने आपको बताया जो इसकी इम्प्लीकेशन की है, बट जो इसकी रेंज है वो हम इन फेजेज में ही कर पाएंगे। दैट मीन्स अप टू 1500 किलोमीटर इन 3 years, अबाउट 2000 किलोमीटर इन 5 years, सो वी गो ऑन इंक्रीजिंग दी रेंज एंड which and of course that will be satellite based, but we also have something like within our friendly communication centers, you know, 2 centers, one is yours, one is mine, so we can communicate with each other. That is about 2000 kilometers. And the other interesting aspect is that within cities also it can be used using the same optic fibers. एक तो सैटेलाइट बेस है विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ अ लार्जर रेंज, बट अगर हमने शहरों में करना है तो ऑप्टिक फाइबर की जगह इसके थ्रू ट्रांसमिशन, एंड दैट ऑल्सो वी लुक फॉरवर्ड टू कम्प्लीश 300 किलोमीटर इन 3 years, 500 किलोमीटर इन 5 years, एंड 2000 किलोमीटर्स इन अबाउट 8 years। एंड वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू स्केलिंग अप, क्योंकि इसका जो यूनिट है ऑफ द स्केल इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिट्स, सो वी टारगेट अबाउट 50 क्यूबिट्स इन 3 years, about 5,000 qubits in 5 years, about 1,000 qubits in 8 years, so on and so forth. And of course, also in navigation, jo hamare ship movement and the other places, because earlier on, when you didn't have all these technologies, you depended on lighthouses about 200 years ago. So lighthouse concept khatam ho gaya. Now you depend on GPS and other things. Now this will be the latest. So by all means, this is going to place India as a frontline nation as far as information technology is concerned, and information technology has relevance in all these fields, and not only information technology, it also healthcare and other sectors, the magnetometers, the diagnostic aspects of it, the therapeutic aspects of health, and of course the security aspect. So iske atirikt kuch aur jankari hogi, so we will be happy to interact with you. Mitro, ye jo Dr. Jitendra Singh ji ne kaha कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सामान्य कंप्यूटर्स के से कई गुना अधिक और कई गुना अधिक डाटा कई गुना कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। ये कम्युनिकेशंस, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी, डिफेंस, डेटा सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में इसके उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। और भारत दुनिया के जो 6 देश जहाँ पर ये हो रहा है, अब उसी श्रेणी में जाकर, जैसे मैंने कहा कि हम लीडर्स वाली श्रेणी में, लीड करने वाली श्रेणी में, जैसे आपको विस्तार में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, उसके लिए कर रहे हैं। इस मिशन का संचालन कौन करेगा?
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा, जिसमें एक मिशन डायरेक्टर होंगे और जिनकी सहायता के लिए मंत्रालय एक मिशन सेक्रेटरिएट भी बनाएगा, एक गवर्निंग बॉडी भी होगी और इस गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता, इस मिशन के जो मार्गदर्शन के लिए गवर्निंग बॉडी होगी उसकी अध्यक्षता टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और रिसर्च के क्षेत्र में किसी एक प्रेस्टीजियस साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाएगी। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की अध्यक्षता में गठित मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल इस गवर्निंग बॉडी के लिए साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी का कार्य भी करेगी। तो कुल मिलाकर अगले 8 वर्षों में 6,003 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर अगले 3 वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। और मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने बड़े विस्तार में, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है लेकिन बहुत विस्तार में बताया कि भारत कैसे उसमें आगे बढ़ सके। प्लीज़, आपकी अनुमति से एक और चीज़ जोड़नी चाहिए जो शायद जिसके लिए युवाओं का भी इंटरेस्ट है कि आजकल स्टार्टअप की मुहिम चल रही है बड़ी तीव्र गति से, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आह्वान पर उनकी पहल से, तो उसमें भी चूँकि जो ट्रांसलेशनल रिसर्च होगा उसमें स्टार्टअप्स को इससे बड़ी मदद मिलेगी। स्टार्टअप्स वो डिस्क यूज़ करते हैं, अगर आप हमारे फरीदाबाद वाले इंस्टीट्यूट में जाए तो जैसे मैंने कहा कि वो हम जब वेव टेक्नोलॉजी से हम एटम टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे तो उसकी गति भी बढ़ेगी, उसकी स्पेसिफिसिटी भी बढ़ेगी, ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी। सो वील हैव हाई क्वालिटी स्टार्टअप्स हु वुड ऑल्सो बी एबल टू मेक गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मच मोर सब्सटेंशली टू द वर्ल्ड डेटा पूल। सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। मेरा दो सवाल एक जितेंद्र सिंह सर से है कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल अभी हम लोग भारत में किसी भी सेगमेंट में कर रहे हैं क्या, और दूसरा कि सेमीकंडक्टर के लिए जो मिशन की शुरुआत आप सरकार ने की है क्या उसमें भी इसको मदद मिलेगी। और एक सवाल अनुराग सिंह सर से है कि जो हम लोगों ने एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, आपने एक लाइन कही कि इसमें एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन फिर से करने का प्रावधान है, तो किस तरह से क्लासिफिकेशन आप करेंगे चूंकि अभी भी UA करके कैटेगरी बनी हुई है। क्योंकि मेरा सवाल सीमित है इसलिए मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि बिल पार्लियामेंट में जाएगा, ज़्यादा विस्तार वहीं बताएंगे, लेकिन OTT की तर्ज पर ही इसको और बेहतर क्लासिफिकेशन करने का प्रयास है ताकि केवल यू और यूए और ए तक सीमित ना रहे, एस तक सीमित ना रहे, इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको एज ग्रुप में अलग अलग करने का उसमें चर्चा है, उसमें प्रावधान है। ये जो आपने पूछा कि इसका वर्तमान क्या स्टेटस और किस हद तक इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मैं बता दूं कि इसकी हमारे यहाँ इसकी कल्पना काफ़ी समय से चल रही थी प्रधानमंत्री जी के ही प्रोत्साहन से। तो सन 2019 मार्च से साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, क्वेस्ट, क्वेस्ट स्टैंड्स और क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो उसके अंदर मोस्टली दिट R&D प्रोग्राम, और साथ ही साथ हमारे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड SN बोस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, वहाँ पर भी ये चल रहा है। कुल मिला के इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ एक इंस्टीट्यूट हैं, लगभग 20 ऐसे संस्थान हैं देश में जहाँ पर इसका R&D कार्यक्रम चल रहा है। एप्लीकेशन का तो अगला मरहला रहेगा, लेकिन जब हम इसको एक नेशनल क्वांटम मिशन दे देंगे तो इट बिकम मच मोर स्ट्रीमलाइन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। निश्चय ही हर तरह के इस प्रकार के यंत्र में, बिकॉज दी टेक्नोलॉजी विल गेट अपग्रेडेड और वी कैन से गेट ट्रांसफर टू द न्यू मैकेनिज्म्स। सर दिस इज सुमित चतुर्वेदी फ्रॉम ET नाउ TV चैनल। माय क्वेश्चन टू मिस्टर सिंह सर, यू स्पोक अबाउट स्टार्टअप, is it going to help the India's IT sector also and thus in a way help in generating employment also, because India has a huge IT sector? Absolutely, because information technology is the mainstay of this entire the entire mission, because essentially quantum deals with information technology, and even when we use it for security purposes, as I said, in the medical purposes. Now, as I said, that to pick up diagnosis is basically information related. So it's precisely picking up the cell which is affected by cancer or, oncogens. And similarly, when you are trying to hit, again, it gives you the information. If the organ is moving, the ray, the beam also would move.
to catch the precise cell. So actually it is, in other words, it is information processing, I would say. So it's a processing of information, which then gets converted for applications in medicine, for applications in security, for applications in diverse fields. 124. So my question is for Thakur, sir. Two things with respect to the Cinematograph Act. The first thing is, of course, when you're talking about piracy, are you planning to bring in stricter provisions to curb online piracy? And the second, of course, is that the last version of the act that had been released for draft consultation had a provision that said that the government can ask the CBC to reconsider a film that has already been certified. Are you planning to go ahead with that? I'm not getting into the details, but let me say that this bill will live up to the expectations of the industry. And we had a wider consultations with all the stakeholders, from the international film makers like Motion Pictures to the Indian film industry, from different regions to the national level. So all stakeholders has been consulted. Public consultation has happened. Interministerial consultation has happened. And I'm sure this bill is going to satisfy each and everyone without creating any controversy. Hi, sir. I'm Mohana Basu from The Print. So my question is that in 2020, we had the finance ministry had announced about 8,000 crores over a period of 5 years. At that time, the thinking was that the quantum mission is something that is high risk, and we don't really know if there will be any tangible outcomes from it. Now that you're saying that it's another 6,000 crore in 8 years, has that thinking changed? Have we made any such scientific progresses from the institutes that show that, has the confidence decreased, or are we seeing? To be fair, to respond to you, I think as the technology is evolving, the understanding is also evolving. So what was not realized till maybe yesterday is being realized today. Something more will be realized tomorrow. So the applications also, likewise. Now, in the area of therapeutics, in the area of investigative healthcare, in the area of security. So all these applications are being realized as we have started using it. And the R&D is still, that is the reason that 6 countries are there who initiated themselves before us, but they have still not gone into the application stage. They are not utilizing it still. They are trying to still draw inferences. They are still in R&D stage. But we would also now be in the same league of that R&D. It's not that we have not got late. That's the precise. On the contrary, the use of information technology or information processing is going to be much more secure, much more authentic, and much more precise with this technology. Now, tomorrow, if some other technology comes after a decade, because it's an ongoing process that you can't foresee. But as of now, when we compare it to the classical options that we have, there are certain definite advantages. प्रकाश प्रियदर्शी ईटी नाउ स्वदेश है. आपने कहा कि इसमें आत्मनिर्भर भारत का भी एंगल है, तो क्या 6300 करोड़ रुपये जो खर्च होगा वो PLI स्कीम के तर्ज पर खर्च होगा? कंपनीज को इंसेंटिव्स कैसे देंगे? नहीं, ये जो 6003 करोड़ का बजट रखा गया अभी कैबिनेट में, ये तो मिशन के लिए है. लेकिन जैसा ये मिशन आगे एक्सटेंड होगा और एप्लीकेशन स्टेज में आएगा, अभी तो ये R&D स्टेज में हम एंटर कर रहे हैं. अभी अधिकतर हम शोध अनुसंधान की से, जब ये अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली उसमें इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी. दैट इज़ वाई यही मेंशन किया, जैसे माननीय अनुराग सिंह जी ने मुझसे पहले आप संबोधित करते हुए कहा कि इसमें इंडस्ट्री भी रहेगी, स्टार्टअप भी रहेंगे. एंड दैट इज़ द रीज़न, जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इसकी सेक्रेटेरिएट बनेगी उसकी अध्यक्षता करने वाला इज नॉट नेसेसरली समबडी फ्रॉम द साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. इट कुड बी समबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑल्सो विद अ साइंस एप्टीट्यूड, साइंस नॉलेज एंड साइंस बेंट ऑफ माइंड. वो ऑप्शन भी इसी कैबिनेट नोट में ओपन रख दी गई है. आफ्टर ऑल ऑफकोर्स वो अंडर द ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ द PSA हु इज द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उस गवर्निंग बॉडी का हेड कुड बी फ्रॉम एनी ऑफ दीज सेक्टर्स विच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. नेशनल क्वांटम मिशन है, इसके अंतर्गत क्वांटम टेक्नोलॉजी के 4 मुख्य क्षेत्र होंगे: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए
चार थीमेटिक हब्स बनेंगे और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उनमें इनको स्थान दिया जाएगा, उनमें स्थापना इनकी की जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। और रिसर्च वाली जो आदरणीय जितेंद्र जी ने कहा कि उस दिशा में हम इनको रिसर्च वाले क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं और इनका चयन भी कॉम्पिटिटिव प्रपोजल्स के माध्यम से ही किया जाएगा। और आपने जो बात कही वो इस बात में इंक्लूडेड है इन दी सेंस कि ये जो माननीय अनुराग सिंह जी ने उल्लेख किया थीमेटिक हब्स, ये सेक्शन 8 जो है हमारा कंपनीज का उसके अंतर्गत गठित किया जाएगा। सो देयर इज ऑलवेज ऑलरेडी अ रूम और अ लिवरेज फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और द अदर सेक्टर। सर जेकब कोशी फ्रॉम द हिंदू, बेसिक स्टेप टुवर्ड्स क्वांटम कंप्यूटिंग इज क्रिएटिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, यू हैड मेंशनड 20 क्यूबिट्स सम टाइम बैक, सो डज दिस मीन वी विल हैव 120 क्यूबिट कंप्यूटर बाय इन 3 इयर्स और डू वी, कैन यू गिव अस सम टाइमलाइन ऑन व्हाट क्यूबिट कैपेसिटी कंप्यूटर्स आर एनविजन्ड अंडर दिस प्रोग्राम इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? थैंक यू। वी प्लान टू स्केल अप विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इफ वी ask you, if you ask the precise timeline that what we have and we size for ourselves or kept the target for ourselves is up to 50 physical qubits by 3 years, then by 50 to 100, possibly 100 by 5 years, and up to 1000 by 8 years in various platforms in superconducting, also in photonic technology. So we have set that timeline for us. It's quite an ambitious timeline, but we hope to live up to that. Last question. डॉक्टर साहब, जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में जो फायदे बताए गए हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी का भी है। अभी जो साइबर सिक्योरिटी या साइबर जो है पोजीशन साइबर फ्रॉड रोकने के लिए, साइबर क्राइम रोकने के लिए, इस मिशन के पूरा होने या उसके अंतर्गत इसमें कितना बढ़ोतरी होगी, आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? और दूसरा, इस पूरे मिशन में जो माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर चिप जो अभी हम लोग ताइवान चाइना वगैरह से मंगाते हैं, हम कितने आत्मनिर्भर हो जाएंगे तब तक? नहीं, निश्चय ही आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही दे दिया। पहले भाग का जहाँ तक संबंध है, निश्चय इसमें बहुत बड़ा एक जंप होगा। जैसे मैंने कहा, दिस मिशन क्वांटम इज इटसेल्फ ए क्वांटम जंप। साइबर सिक्योरिटी, जैसे मैंने बड़े सादे सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम जब क्रैक करने की कोशिश करते हैं, चाहे क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में, अदर जो आपकी इनक्रिप्टेड, तो उसकी दो कीज़ होती हैं। तो ये जो अगर 10 डिजिट का नंबर है तो उसको क्रैक करने के लिए आपको प्राइवेट नंबर चाहिए। तो प्राइवेट नंबर के आपने दो क्रिएट किए होते हैं, वो दो के मल्टीपल इसके बराबर होना चाहिए। वो इतना आसान नहीं रहता टू डिस्कवर दैट, एम आई राइट? वेयर एज जब आप क्वांटम में होंगे तो चूंकि ये एटम बेस्ड है तो वो आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसके इतने मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 × 2 = 4, 1.00 × 1.00 × 4, वो करते जाएंगे कर देगा। तो शबलों में तो एक स्टडी ने यहाँ तक कहा अनुमानित ढंग से कि 300,000 साल लग जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, निश्चय ही इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी और वो भी हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है कि अभी तक किसी ने उस तरह की क्वांटम एप्लीकेशन इस्तेमाल में नहीं लाई है। अगर वो ले आते हैं फिर हमें उसके खतरा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास भी क्वांटम होगी, उनके पास भी क्वांटम होगी, तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे चीन ऑलरेडी इस लीग में है। और जो दूसरा आपका प्रश्न था कि स्वाभाविक है कि हमें ये आत्मनिर्भरता की दिशा में ले ही जाएगा। सर, मेरा सवाल अनुराग जी से है। एक आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, तो क्या इसे हम एक खुशखबरी के तौर पर लें या चुनौती के तौर पर लें? और क्या आपको लगता है कि सही समय आ गया कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है, उसको बनाया जाना चाहिए? नेशनल क्वांटम मिशन की बात हो रही है। क्वांटम जंप उस टेक्नोलॉजी में हम ले रहे हैं, जैसे 4G 5G भारत की अपनी मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी, अब 6G भी अपनी होगी। नेशनल क्वांटम मिशन में 4 अलग अलग क्षेत्रों में उस दिशा में हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ेंगे। जो आपका प्रश्न है आबादी से लेकर, वो आज चर्चा नहीं हुई कैबिनेट में, जब होगी तब बताऊंगा आपको। ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, वी हैव ऑलरेडी सम 20 इंस्टीट्यूट्स हु आर इनटू आरएनडी।
उनके अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, उसमें तीन इंस्टीट्यूट डीएसटी के अंतर्गत काम करते हैं, कुछ एजुकेशन, वो दैट इज़ अ पार्ट। अब चूंकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज मिशन शुरू किया, गवर्नमेंट ने मिशन मोड पर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, नेशनल क्वांटम मिशन, ये 6000 करोड़ उसके लिए। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो अपने स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन उसको भी बल मिलेगा थ्रू दिस मिशन, दे विल ऑल्सो गेट सप्लीमेंटेड, नॉट सेपरेट इन द लॉन्ग रन, दे माइट ऑल्सो गेट इंटेग्रेटेड बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड टू वाइडर इंटरेक्शन, इंटेग्रेटिंग इवन इन द इंडस्ट्री, बिकॉज सच R&D में भी इज ऑल्सो हैपनिंग इन द प्राइवेट सेक्टर, नॉट नेसेसरली क्वांटम, लेकिन शॉर्ट ऑफ क्वांटम दे आर वर्किंग, सो सम ऑफ द R&D departments in the private sector are as much developed as the government sector, and we don't want to keep ourselves deprived. That's why I have always been emphasizing on an extended integration, and Prime Minister has been very supportive. Nahi to kabhi kisi ne kalpana ki thi ki space sector ko khol diya jayega for private players. Now we have private satellites being launched. Thank you, sir. Thank you. Thank you.